आज एल्कीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 11 केमिस्ट्री लेसन नंबर कौन है, एल्कीन। सब लोग जानते होंगे एल्कीन के बारे में। एल्कीन में जो होता है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, कमे कमे के बीच में डबल। इसका सूत्र भी सब लोग को याद होगा, क्या होता है जो सूत्र को बताओ, CnH2n, बस सिर्फ इतना होगा, ठीक है। कोई ना कोई यौगिक होगा उसमें डबल बॉन्ड जरूर आएगा। जैसे मान लो क्या नाम होगा इसका, अगर कोई पूछेगा तो कल तो दिया भी गया था, कार्बन कितने, 4, 3, एकदम अच्छा जो पढ़ना है, ठीक है ना। कार्बन 3 है तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रो, और इसमें ई यानी हम लोग क्या करते हैं जो प्रोपीन है, तो तन लिखो लिखो एल्कीन है, ठीक है ना, देख लो एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, यह पैराफिन भी कहा जाता है। वे भाई इसे यह हम तो यह बोले कि हम तो तू इसे समझिए, पैराफिन भी कहा जाता है, ना ऐसे बात नहीं। और इसका समान सूत्र बोलो, इसका समान सूत्र क्या होता है, CnH2 होता है। और सुनो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अवश्य होता है, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध अवश्य होता है, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध अवश्य होता है, ठीक है। इतना तो सब लोग जानते होंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है बताने में आप लोगों को। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, कॉमन एल्कीन मत बुलाना कभी। और यह भी ध्यान रखना कि जो एल्कीन होता है वह अधिकतर तुम लोग देखोगे तो एल्कीन के तुलना में ये बंद माने मजबूत होता है, ठीक है। आगे लिखना था नहीं इसमें, और इसमें द्विबंध एल्कीन के एकल बंध से अधिक मजबूत होता है, अधिक मजबूत होता है, ठीक है। जहां द्विबंध होता है, जहां द्विबंध होता है, याद है तुम लोगों को पढ़ाए थे कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो केवल सिग्मा कहेंगे, डबल होगा तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल होगा तो एक सिग्मा दो पाई, तो वही बात होगा। जहां द्विबंध होता है जिसमें एक एकल बंध तथा दूसरा, हाँ जहां द्विबंध होता है जिसमें एक एकल बंध तथा दूसरा एक सिग्मा बंध, एकल सिग्मा यह प्रतीक होता है, ये वाला लिखे पड़ेगी समझ जाओगे, सिग्मा हैंग वाला आधा कट्टी नौ, आधा कट्टी नौ सिग्मा बंद होता है, दूसरा पाई, पाई हैंग होता है, फिर भी लिख देता है पाई बंद, तो कहाँ हो गया जिसमें उसमें कहाँ अंतर है, लोग नहीं फिजिशियन बने हैं। हाँ आगे बढ़ो, अच्छा एक चीज आप याद करिए कि जहाँ पाई बंद होता है ना उसको हम लोग संकलन में कभी काउंटिंग नहीं करते, याद करो पाई को कभी काउंटिंग ना करिएगा, अगर सिंगल बा तो सिग्मा, डबल बा तो सिग्मा, और पाई तो पाई के छोड़ देते, केवल सिग्मा कोई काउंटिंग करते हैं जब भी आप संकलन निकालते हैं।
तो इसका मतलब होगा कि कहीं डबल बंड होगा, वहाँ जो कार्बन होगा उसमें कौन सा संकरण होगा, sp2 होगा ना। अरे जैसे मान लो कि यह है कहने के डबल बंड होगा, तो एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, तो कौन संकरण होगा, 1 2 3 ही होगा, इसमें तो डबल होगा ना, तो डबल बॉन्ड है तो एक पाई हो जाएगा, सिग्मा पाई को काउंटिंग नहीं करते हैं, इसलिए इस कार्बन में कौन सा संकरण होगा, sp2। खाली एक को हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तब। हाइड्रोजन कहाँ है, क्यों जुड़ी हाइड्रोजन, क्यों आगे चार को चाहिए ना, कार्बन के साथ चार को तो कोई ना कोई बॉन्ड, कोई ना कोई तत्व तो जुड़ रहेगा, तो एक ही होना सिग्मा रहेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। हम लेकिन थ्री बॉन्ड की बात भी होता, थ्री बॉन्ड की बात होगी तो उसकी बात करें। हाँ आगे देखना, इसमें जहाँ कार्बन पर मीटर लिखा है, किताब में लिख लो, कार्बन कार्बन के यही देख के मध्य आबंध की लंबाई 1.5, तो ये लगा दिए हैं ना जहाँ पर, तो देखो तो कार्बन कार्बन के पीछे लिख दो चाहे बना दो, तुम तो बहुत होशियार बहुत आगे जाओगे। आबंध की लंबाई 1.54 पिकोमीटर होती है। अच्छा आपको हम बताए थे, याद करिए, जितने अधिक बॉन्ड मारे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसकी लंबाई अधिक होगी, याद करो, डबल हो जाएगा, हाँ कमजोर होता है, डबल होगा तो उसकी लंबाई घट जाएगी, आज याद कर लेना, ट्रिपल होगा तो और ही लंबाई घट जाएगी, लेकिन मजबूती बढ़ती चली जाएगी, समझ रहे बात को। तो इसमें लिख रहा ना कि मध्य आबंध की लंबाई इतना, तथा देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है की लंबाई 20 गो माने कम रहता है, 1.34 पिकोमीटर होता है, इतना 1.34 पिकोमीटर होता है, सब लोग याद करो, 1.34 पिकोमीटर होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है देख लो ध्यान से। ये 1.34 पिकोमीटर होता है। तो ये रहा मैंने आपके कुछ एल्कीन के बारे में, जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आप जरूर इसको बताने का प्रयास करेंगे। तनी थोड़ा और लिख लेना यहाँ पर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की आबंध एंथैल्पी, आबंध एंथैल्पी 681 किलो जूल प्रति मोल होता है, किलो जूल प्रति मोल होता है, तथा कार्बन कार्बन के बीच में आबंध एंथैल्पी 348 किलो जूल प्रति मोल होता है, जब याद रखें, ठीक सबको याद हुआ का। देखो इस तरीके से आप कुछ बात बता सकते हैं, देखो ये डबल बॉन्ड है ना, इसको तोड़ने के लिए एक बार पहले एनर्जी देंगे, फिर एक बार एनर्जी देंगे, डबल एनर्जी देंगे तब ये टूटेगा, इसकी जो एनर्जी होती है 681 किलो जूल प्रति मोल, ये पहले ही बार में टूट जाएगा, इतना जरूर याद रखना, कभी आप जाइए कॉम्पिटिशन में बैठने के लिए या पेपर में बैठने के लिए, जरूर इतना याद रखना कि डबल बॉन्ड वाला में जो होता है आपके अधिक एनर्जी लगती है, देखो डबल बॉन्ड में 681 किलो जूल प्रति मोल कितना ज़्यादा है, 681 है, और सिंगल वाला में मात्र 348 है, इसका मतलब धड़ाक दे टूट जाएगा 348 से, सिंगल बॉन्ड में ताकत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन जो डबल बॉन्ड है उसमें उसको तोड़ने के लिए एक बार पहले सिंगल तोड़ेंगे फिर दूसरा का तोड़ेंगे, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो पहले इसको तोड़ो तब इसको तोड़ो तब इसको तोड़ो तो और एनर्जी अधिक होती है, और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड में कौन मजबूत होता है, डबल होगा मजबूत, लेकिन आबंध की लंबाई घट जाती है, सब आपको मैंने बॉन्ड ऑर्डर जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था आपको, फिर उसी की जिक्र हो रही है।
इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, पूछ सकते हो आप। इसको मिटाएं, चलो कहानी तो जान गए ना, एल्किन के बारे में क्या होता है, एल्किन की कहानी समझ गए। मिटी देखिए, अब आपकी कहानी क्या होगी, कहानी होगा आपका कि माने एल्किन का UPSC नाम लिखना, ठीक, एल्किन का IUPSC नाम आपको लिखना। कैसे लिखेंगे तो अच्छा, एल्किन का सूत्र तो सब लोग जानते होंगे। IUPSC नाम लिखने के लिए क्या होता है कि देखो, जब भी IUPSC नाम लिखते हैं इसमें तो आपको याद होगा आल्क लिखते हैं, काउंटिंग करिए, प्लस जो अंक होगा उसको लिखते हैं, प्लस इन जोड़ देते हैं उसमें। अच्छा, आल्क का मतलब क्या होगा, कार्बन की संख्या एक होगी तो मिथाइल, एक से शुरू होता नहीं है, दो से शुरू होगा, कार्बन की दो होगा तो एथ, तीन होगा तो प्रो, चार होगा तो ब्यूट, पाँच होगा तो पेंट, छः होगा तो हेक्स, माने काउंटिंग करते चलिए जैसे आपकी काउंटिंग करना। तो मान लो IUPAC नाम लिखना है तो आल्क लिखो प्लस अंक प्लस इन। तो अगर हम आपसे कहें, क्या सोचो, अच्छा एक चीज़ और बताना है तुम लोग, मान लो अगर मैं कहूँ C6H2O में सिग्मा और पाई की संख्या बताइए, और इसका तथा IUPAC नाम बताइए, क्या बता सकते हैं, सोचिए जा। ऐसे थोड़े बताना, जब तक आप इसकी संरचना नहीं बनाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। देखो बताते हैं तुम लोगों को, एक बार बाबू देख लो, सीख लो, आज जमाना याद रहेगा तुमको, कितने कार्बन छह होते, वन एकदम सीखो, यहाँ देखो सब लोग देखो चलो छह कार्बन हो गए, कितने हाइड्रोजन 12 होते, पहले दो दो को लगा देवे 12 पूरा करो, चलिए भाई इधर कितना, इधर तीन को लगा लो, कितना हुआ, 3 3 6 12 है ना, 7 8 9 10 और 11 12, तो यहाँ डबल वन कहीं ना कहीं लगा दो, चलो सही है, आप गिन लगो तो नहीं, गिन कर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही तो हो रहा है, ठीक है 4 हो जाएगा। अब कितने सिग्मा हुए, 11, आपका कह रहे थे पाई, संरचना में पूरा जितना सिंगल बस सब सिग्मा, अच्छा हाँ डबल रही तो एगो सिग्मा एगो पाई, बस ट्रिपल रही तो में एगो सिग्मा, माने कबू सिग्मा एगो से अधिक ना होला, डबल रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल रहेगा तो एक सिग्मा दो को पाई, समझे हो, इसका नाम बोलो, सो समझ के बोलना, बस हेक्स है 3, हाँ यहाँ से गिनो ना, आल्क है तब अंक है तब इन है, तो यहाँ पर चाहे इधर से काउंटिंग करो, जिधर से इधर से भी करोगे तो चौथा आ रहा है ना, ये 3, तो पहले हेक्स लिखो, तब यहाँ पर क्या लिखना है, 3 है, टी पर डबल वन 3 तब ई, यानी आप हिंदी में भी लिख सकते हैं हेक्स तब 3 तब ई, ऐसे भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद, कुछ सीखे कि नहीं सीखे, और भी लिखना है, स्ट्रक्चर बना के लिख दोगे तुम लोग, C6 का H5H10 का सिग्मा पाई बताना, इसका स्ट्रक्चर खींचना, तो सिग्मा ऐसे ये कम हो, एक तो पाई होगा बस, 10 को आपको हो जाए इतनी बता बता रहा है केमिस्ट्री के, तब खरीदे हो तो उसको बैग में रखा कर, बताओ इतना हल्का बैग करके लाए, यही जो है तेज, तो बना लो बना लो, जल्दी से बना लीजिए आप सभी लोग, जल्दी जल्दी बनाइए,
आपका अवतार मन प्रीत संख्या 122 पर बहुत ज़्यादा दिया है आईपीएससी ने। खूब लिखना आज घर पर। अरे खूब पढ़ो तो नया साल आ गया ना, आज विदाई कर रहे हैं हम लोग पुराने जमाना को। आया कल्पना तुमको सिखा दे रहे हैं कहेंगे सिग्मा पाई की नहीं समझ में आया है? नहीं समझ में नहीं गया तो पूछा ठीक बा। इसका नाम भी लिख लोगे कुछ और ही होगी कि आपको दे रहे हैं। चलो सिग्मा एक वन टू थ्री फोर फाइव हो गया 14 सिग्मा एक। काउंटिंग करना भी सीख लेंगे आप सभी लोग। कुछ पूछना है सीखे कि नहीं सीखे बताइए बेटा। नाम बताइए। नाम होगा कहीं पेंट लिख के आज जाना बस सिंगल बन डबल बन लगाए वो लिख के पेंट 3 इन की पेंट 2 इन जहाँ लगा लो बता लिख दो। दो साइड में लगा होता है कहाँ लिख मैं दो लिखा सकेला तीनों लिखा सकेला तो अब लगाए हो क्या। अरे यहाँ पे लगाए हैं तो यहाँ पे दो भी लिखा सकते हैं इधर से भी। हाँ जेंगा नहीं जी जैसे दो पहले आए उधर से तो इधर से पहले आ रहा था दो। हाँ दो अलग ही गिने लिखाएंगे। आओ अब सुनो तनिक कुछ और बातें हम लोग सीखे। C6H6 में सिग्मा और पाई बताना है। C6H12 में सिग्मा और पाई बताना है। CH2Cl2 में सिग्मा और पाई बताना है। CH2CH2 में सिग्मा और पाई बताना है। CH3NO2 सिग्मा और पाई बताना है। CHCO NH और CH3 पहला एक आप ये बेंजीन का है संरचना बेंजीन का बता दोगे कि बताए कौन है। अच्छा एक बार तुम ट्राई कर लो एक बार ट्राई करके देखो बेंजीन वाला। हाँ चला आई बोलोगे लोगे आई बेंजीन ए बार बेंजीन है ना बना ला कौन दिक्कत कहो कार्बन कहो हाइड्रोजन सब खुलम खुला ना बना जा रहा सब खुलम खुला बनाया जाता है देख लो सब खुलम खुला। काउंटिंग कर लो 1 2 3 इधर 6 भाई हो गए 7 8 9 10 11 12 तो 12 का सिग्मा 13 का आंसर सिग्मा की संख्या 12 ठीक है। पाई की संख्या कितना 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 3 समझे हाँ इसको 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 तो बना लोगे तुम लोग 11 सिग्मा ऐसे देख के बता रही है का? नहीं उस बार उस टाइम 1 2 3 4 5 6 और कितना हाइड्रोजन 12 तो 1 2 3 4 5 12 का हाइड्रोजन 12 पर 17 हो रहा है। अब गिन लो 17 होगा इसमें सिग्मा सब सिग्मा बंद होंगे। अच्छा इसमें कौन सा संक्रमण होगा बताओ इसमें 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 सब जितने कार्बन होते हैं सब में कौन सा संक्रमण होगा
SP3 क्योंकि मानो सिग्मा है ना तो 1 2 3 4 सिग्मा है। आज सीख लो, चलो 4 घंटे लगा तक का आज एकदम सीख लेना कि भविष्य में कभी भी क्या का है सवाल सब आपके दिया गया। अच्छा एक और बताएं, एक बना के दिखा दो मान जाएंगे, एक बना के दिखा दो लो। अगर ये बना दिए और ये बना दो, ये बना मान जाएंगे आज कार्बन लिख दो और 3 को हाइड्रोजन जोड़ दो। देखो सब लोग सीखो, हम बता पहले देख लेते हैं। एक सी आई एच डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि 4 को सी के साथ चाहिए। हो गया तो 1 2 3 4 5 6 और एगो पाई, 3 को 6 को सिग्मा। अब कौन कह रहे इसको बनाए हो, ये जब भी कहे देनो ये तो जब भी कहे तो बेंजीन खींचो ना बिना सोच ले समझे बस बात जैसा ही ऐसा नजर आए और यहाँ सी कह रहा है तो देखो ध्यान से सी रखो। बेंजीन का ही है ये, सी के साथ अगर H5 आ गया तो है तो हमको C6 के साथ, मैंने बेंजीन के यही होता है कि C6H6 तो यहाँ मान लो कि C6H6 कुछ जुट जाए, जैसे जुट गई तो H कम आ जाए और C6H10 आ गई, H12 आ गई तो समझा कि एल्केन वाला हो, एल्केन के है मैंने हाइड्रोजन दोगुना से कबू अधिक रही यो एल्किन माने ये बात हुआ। अगर C6H5 तो बेंजीन की संरचना बना तो काउंटिंग कर लेना इसमें, पहले सिंगल और पूरा काउंटिंग, 1 सिग्मा 1 एक यहाँ पर है 2 3 4 5 6 7 8 को सिग्मा समझे हो, सिग्मा को गो केंगान एक हैदराबाद एक है तो 2 2 3 4 5 6 7 8 हर एक सिंगल तो सिग्मा ही होता है। अब पाई ज़्यादा होगा 2 2 3 4 5 पाई हो जाएगा तुम्हारे पास 5 सीख रहे हो है कहीं ना उसी के साथ हो रही तो डबल बन लगा के हमेशा जोड़ लेना, अकेले अगर जोड़ लेता यन बा यन के ट्रिपल बॉन्ड ही होता है। खैर वो छोड़ दो है ना, सुनो कार्बन के अंतिम में कितना होता है 4, तो 4 इसको कंप्लीट होना चाहिए, एक तो है 3 अभी बचा है। सीएन को साइनाइड कहते हैं, तुम लोग पढ़े भी होगे 10 में सब और सिखा रहे हैं नए साल के और पुराने साल के विदाई पर, तुम लोग भी याद रखो कि हम कुछ पढ़े थे हम लोग, समझ रहे बात को। चलेगा आगे तो चलो एक बात पढ़ी, एक बार बनाओगे बेटा है एक दे सब लोग बना लोगे C6H5O CH3 इसको बताओ हमारी पाई कितना होता है। बेंजीन बनाओ देखो कंपटीशन में ही पढ़ाया जाता है, बेंजीन बनाओ वो है तो वो लिखो CH3 बना दो, देखो हो गया। अब इसको फैला दो क्या दिक्कत है, 1 2 3 काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अब पाई कितना हो जाएगा 3 तो सिग्मा 11 हो गया, पाई कितना हो गया 3। इसका भी बना सकते हैं, फिनाल है ना, फिनाल बनाओ OH को अलग कर नहीं सकते हैं ऐसे ही रखेंगे, इसका होगा 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्मा पाई 3 को एक रखेंगे बना लो कहीं बुझाए पाई 3 इसको बनाओ, इसको बताओ सब इसको फैलाओगे इसको क्योंकि अंक अंतिम में 3 होता है ना तो 3 आ गया इसका बना के बताओ। टाइम लो, इसका नाम बताओ आराम से, ऐसे आ जाएगा दिखने के लिए। तो सबसे पहले काउंटिंग करो, देखो किधर से जिधर से डबल वन पहले किधर से एकदम ध्यान से हाँ तो किधर से भी कर सकते हैं। चलिए तो 5 के लिए पेंट लिखते हैं, ए बाबू तो पेंट सीखो इसको, 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंट, तब पेंट लिखते चलो
आईना डैश कर दो। देखो एक टू पर डबल बांध है, सुनो एक थ्री पर भी है, फोर पर है, थ्री पर है, दो ही आपका है। तो लिखना है टू कमा करके थ्री और डाई लिख करके इन जोड़ देंगे, तने सीखो, कोई दिक्कत है तो बोलो। अगर मैं तीन को रही तो ट्राई इन लिखाई, अगर चार को बॉन्ड रहता तो टेट्रा टेट्रा लिखाई, तो टेट्रा इन लिखते, हिंदी में भी लिख सकते जैसा। अच्छा मान लो इस तरीके से अब तुम लोग सिखाइए देंगे, क्या नाम होगा इसका। हम उधर से काउंटिंग करते हैं जिधर से बॉन्ड पहले आए, वह नहीं देखा जाता, ये तो शाखा के रूप में है ना, शाखा नहीं देखा जाता, जिधर से बॉन्ड पहले आएगा उसको लिखा जाता। अभी मैं लिखवाऊंगा आपको, तो इधर से लिखेंगे ना, ये सी एच लिखना, सी एच सी एच, तो वन टू थ्री फोर फाइव, पर ये लिखना फोर क्लोरो, पहले हमेशा शाखा वाला लिखते हैं, ये ध्यान रखना, तो फोर क्लोरो, फोर क्लोरो, तब लिखना पेंट, तब लिखना टू ई, देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो पहले नोट में तरी एक चीज लिख दो नीचे, तब ही लिखना नोट में, लिखो वो हेडिंग बता ना, आईपीएससी नाम लिखना उसी में लिखना। देखो जब किसी एल्कीन के यौगिक में शाखा आया हो, जब किसी एल्कीन के यौगिक में शाखा आया हो, तो हम जब आईपीएससी नाम लिखते हैं, तो हम जब आईपीएससी नाम लिखते हैं तो उधर से काउंटिंग करते हैं, तो उधर से काउंटिंग करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पहले आता हो, एन थ्री बॉन्ड पहले आता हो, जिधर से थ्री बॉन्ड पहले आता हो, हम लोग इस समय अभी एल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये सातवा भौर ही निकल गया, कहाँ अजीब लोग का, तो ये वो कहते हैं हूर लेने जा, हो गया सब लोग लिख लिए, अब ही लिख लो एग्जांपल, पेंट टू इन आता है, हाँ तो माने उधर से काउंट कर दीजिए तो डबल वन पहले आता, तो सूत्र नीचे लिखो ना, तो देखो अंक 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 प्लस शाखा, सखी मत लिख दे लेकिन, प्लस आल्क, प्लस आल्क प्लस अंक प्लस आल प्लस इन आल प्लस अंक तब इन, नोट कर लो एग्जांपल, हम सीधे तो यही जा एथी वाला लिखा जावे, एल्कीनो वाला तुम साथ साथ लिखेगा आईपीएससी नाम, बोले वो अलग पढ़ा जाएगा बनाने के लिए। चलो एल्कीन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, एल्काइन के बारे में छोटा सा, हम माने दोनों साथ साथ पढ़ेंगे हम लोग। एल्काइन का सूत्र बोलो, पंडित आइन के सी एन एच टू एन माइनस टू लिखे, आईपीएससी नाम कैसे लिखोगे, आल के लिख के इसमें या नहीं, आल के लिख के इसमें वाई या नहीं जोड़ देते। अगर पूर्ण रूप से लिखना है तो पहले सखा,
तब आल्क, तब अंक, तब आईपीएससी। ओके, जैसे आएगा वैसे आपको दिखा, नोट करो जल्दी से। हो गया। अच्छा ये बताओ, एक तुमने बता दो हम मान जाएंगे, तब मैं आपको सिखा रहा। आज के जो पढ़ाई पढ़ोगे ना, जिंदगी भर याद रखोगे तुम, जिंदगी भर। और दिन का पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। भुला जो नहीं, मैंने और दिन का नहीं, आज ऐसा चीज सिखाने वाला है। पहले आप लोग बताइए इसका आईपीएससी नाम क्या होगा। अब हम बताते हैं, अगर सोडवाइन कह दो हाई डबल वन वन डबल तो डबल कर दिया, हम लोग ई या नहीं लिखते हैं, ठीक। जहाँ भी डबल होता है ई या नहीं जोड़ते हैं, ट्रिपल जब होता है तो वाई एन ई। आप एक चीज बताते हैं तुम लोग को, अल्फाबेटिकल में पहले कौन आएगा, अल्फाबेटिकल में पहले कौन आएगा। इन वाला आता है हमेशा, मैंने जो ई है अल्फाबेटिकल ए बी सी डी में पहले ई आता है तब ना वाई आता है। नहीं बच्चा अभी तो बहुत नादान है, अभी यही नहीं कह रहा डबल वन ट्रिपल वन है, इसमें भी देखना। तो हम लोग तो हमने की बता लगा, बताओ तुमने के शाखा का नाम हाई तक हाई तो माने जाना जरूरी है ना, कि जब भी आप पढ़ेंगे ताकि क्लियर एकदम होना चाहिए, यानी जो अल्फाबेटिकल में भी इसमें भी देखा जाता है। तो काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए, समझ रहे बात को, या काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से दोनों पहले आ जाए, दोनों पहले आ जाए। तो इधर से काउंटिंग करोगे तो तीसरा नंबर पा रहा है, इधर से काउंटिंग करोगे तभी तीसरा पा रहे डबल, लेकिन इसमें देखो डबल ये दोनों आ जा रहा है, समझ रहे बात को। जैसे एक और दो तीन और तीन छः, छः को अंक के बाद ये आ रहा है, और इसमें काउंटिंग करोगे तो ये सही आ जा रहा है। हम देखो कभी भी नहीं, रूल होता है काउंटिंग करने का। मान लो कि हमने काउंटिंग किया तीसरा पर एक ही आ रहा है, तीन नंबर हमने कार्बन काउंटिंग किया तो एक ही आ रहा है, और हमने पीछे से काउंटिंग किया डबल तीन नंबर पर डबल आ चुका है, जैसे यहाँ से एक दो तीसरा पर केवल थ्री बन रहा है, और हम लोग इधर से काउंटिंग करते हैं तो एक दो तीन, जिधर से आपका पहले आ गया एक दो तीन है, हेडिंग बना ले बाबू अलकाई खड़ा कर लिख डालो एक दो तीन, तो दूसरा पर भी आ रहा है तीसरा पर भी आ रहा है, मान तीन में डबल आ जा रहा है, तीन में कहाँ आ जा रहे हैं डबल आ जा रहे हैं। अब इसका जब आईपीएससी नाम लिखेंगे तो पहले तो पूरा कार्बन काउंटिंग कर लो, कार्बन में तो पहले काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्यों करेंगे मालूम है ना, अल्फाबेटिकल ध्यान रखना, नोट में लिख लेना कहीं कि जब भी माने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्फाबेटिकल देखा जाता है। अल्फाबेटिकल ये बताओ पहले दुआ वाला कि तीन, हाँ बहुत सोता है दो बार पहले आ वाला तो पहले लिखा है, अल्फाबेटिकल में भी लिखोगे तभी ई पहले आएगा, आ एक दो तीन भी गिनती करो, ये थोड़ा कि एक बार तीन पढ़ दोगे दो पढ़ोगे तो पहले दो तब तीन, तो डबल बन वाला तब चलो, तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः के खाते का लिखा है हेक्स, का लिखा है हेक्स। अब सुनो अब सुनो अब सुनो, थ्री है थ्री है, वन है ट्रिपल वन के लिए आइन कहा जाएगा, आइन समझो 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 समझो, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है बता दो सब लोग। अगर खाली में आपको स्ट्रक्चर दो इस तरीके से, सी है ट्रिपल वन सी है ट्रिपल वन सी है डबल वन सी है ट्रिपल वन सी एस थ्री,
तो उसको सरिया के लिख दो, 4000, 4000 उसमें भी नहीं होगा, 4000 ठीक है। इसका नाम लिखना है पेशी नाम, क्या बता सकते हैं क्या होगा? ये बताएं, क्या बताएं? हम बोले था कह देते हाँ, ये दो कर लीजिए ठीक है। हाँ ठीक है, जैसे तीन को ये तीन को ये हो गया, चला गया, चार को तीन एक चार, तीन एक चार, तीन एक चार ठीक। अब इसका नाम का नाम होगा बताओ, काउंटिंग उधर से करो जिधर से डबल वन पे जाए, यहाँ से डबल बाउंड की प्राथमिकता दी जाती है। सात, सात का क्या लिखते हैं? टू इन आप फोर कमा करके सिक्स, फोर कमा करके सिक्स डाई आई, आई की स्पेलिंग वाई एन डाई आई, समझे भाजी? पहले काउंट करो कितने कर बने, सात, सात का टी हेफ्ट वाला ही तो मालूम है, आठ का टी हेफ्ट, नौ के लिए नौ, दस के लिए डी। और अब काउंटिंग की ओर देखो, दूसरा पर डबल वन का दो लिखे, डबल वन का थी हमेशा इन लिखते हैं, ध्यान इन 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 ठीक है। और तीन जोड़ा गया, अब एक चार है एक छ है, चार और छः पर ट्रिपल बांध है, तो ट्रिपल खाती डबल बा तो खाती डाई लिखा जाए, और ट्रिपल बांध जब भी होता है तो वाई या नहीं लिखता, आई लिखता। समझे? आप बताओ कोई दिक्कत है पेशी नाम लिखने में, इस टाइप का अगर आता है तो बोलो किधर से काउंटिंग करोगे? हाँ जिधर आपका डबल पान रहेगा तब तीजा उधर से ठीक है। अच्छा सुने कि बहुत तुम आई पी एस सी नाम लिखने में माहिर हो, कोई तुम लोग को फेल नहीं कर सकता है। एक लिख के दिखा दो, वो का है लिख तो रहा हूँ मैं, देखो हो गया लिखा गया। चलो अब है कि ना, काउंटिंग करो, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात का दिखा लिखो डैश वन इन, पहले ई आता है ना इसीलिए थ्री फायर, नहीं फ्री फायर कर रही है, थ्री का फाइव डाई आई। अच्छा और बताओगे और समझे हो जी? चलो ये जो बता देगा आज का बादशाह काल आएगा, आज का बादशाह काल आएगा, इसका नाम बादशाह काल, तुम लोग क्वीन काल आओगे, क्वीन क्वीन काल आओगे, क्वीन 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 माने बेगम,
उगा रहा नहीं क्या हो गया इसका नाम समझा कि आई लैटरिन आई रास्ता आ जाए तो बस बहुत अच्छी यार बहुत देखो मैं लिख रहा हूँ देख लो क्या ऐसे लिख सकते हैं कहते हैं पढ़ाए थे तुम लोग एलकेन वाला एमें इन लगा देना का साइक्लो ब्यूट वन इन लिख देना हो जाए चलो अच्छा इसको बताना है तुम लोग मान लो ऐसे दे देता हूँ इसका क्या नाम होगा साइक्लो ब्यूट वन टू डाइन इन तुम लोग दिन खराब है बा कहाँ कहाँ से मिल रहा इसका क्या नाम होगा वो तो इसी का रूप है यहाँ पर हाँ एकदम सही है कल्पना कभी गलत पता है साइक्लो वन कामा टू डाई इन ब्यूट छूट के बाद ब्यूट साइक्लो ब्यूट वन टू कामा डाई इन समझ रहे हो साइक्लो हमेशा लगा देते हैं संरचना देखते हैं साइक्लो हमेशा लगा देते हैं तो सुंदर केमिस्ट्री पढ़ा रहे आप नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे बताओ क्या क्या नाम बोलो बताएगा साइक्लो ट्राइपोल साइक्लो प्रोप वन कामा टू डाई इन समझ गया मिटाएं इसको मिटाएं बोलो का है कहते जब ये वन पाई हाई आ गई लाइजर दूर करे दूर पर हाई तो मन का मन हिल के कर तो का ये करे जाए तो ये दूर नहीं आओ अरे ये कर तो ये कहने बात है दूर नहीं आओ कहाँ तीन आते हैं समझाओ बोल सुन सरस्वती तरह का मुखी में निवास कर ली लक्ष्मी जी भी निवास कर ली और पार्वती तरह नखी में निवास कर तो बताओ कहाँ से तू तीन रही हो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग सीखे जी सीखे कि नहीं सीखे बताओ कुछ नया नया अच्छा कुछ नया चीज़ मिल रहा है ना देखो हमें अपने ज़िंदगी में भले कुछ बने या ना बने लेकिन पढ़ाई को जरूर देख रहना चाहिए सीख लेना चाहिए वो अलग चीज़ है कि आदमी नहीं पढ़ पाता नहीं बन पाता है लेकिन इतना जरूर आपको बन कर रहना चाहिए कोई आपको ये ना कहे कि बहुत वीकनेस आप है कमज़ोर कि दुनिया में बहुत अच्छे बन करेंगे तभी लोग आपको नहीं छोड़ेंगे तो ऐसे लगाओ सीता जी के लोग छोड़बे ना कोई राम जी इतना पवित्र तब एगो धोबी कह के उनका कहे कि तुम्हारे राज्य में कोई खुशहाल नहीं बेचारा जंगल में चल गया लोग कृष्ण भगवान के ना छोड़ल लोग ईसा मसीह के ना छोड़ल लटका दे मुआ दे तो हमने छोड़िए सुनो घूम घाम के मुआ दिए सुनो ना छोड़े लोग आज आप पढ़ने के लिए आते हैं तो वही लोग कहते हैं कि बाप रे कितना पढ़ती है का करिए ना उनका लड़की तो है ना ऐसा लोग कहला वही जिस दिन आप बन जाएंगे कुछ सभी लोग कहेंगे हाँ उसकी लड़की बहुत नहीं दुनिया दुनिया अपने निगाहों से देखती है जान है सुनो अब निगाहे फिल्म भी देखे होंगे शीशा हो दिल हो आखिर तक टूट जाता है बहुत देखते हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं अभी देख रहे थे सुबह खेसरिया के हाँ है क्या आई पी एस सी नाम लिखना है आई पी एस सी नाम मेरा नाग बाबा बना रहे नाग बाबा ही लगा था खैर कोई बात नहीं जहाँ जहाँ ज्वाइंट है तहाँ तहाँ कर बने 2 3 4 5 6 7 8 9 आज के साथ यस थ्री इसका अगर लिखो चाहे मत लिखो समझो यस थ्री है क्योंकि एक बॉन्ड है 3 को ये 4 हो जाएंगे एक दो का बॉन्ड है एच टू यहाँ पर होगा यहाँ पे एच टू बीच में हमेशा एच टू सी एस थ्री आप चाहें तो इसको इस हाँ
यहाँ बेस टू पर, यानी इसका संरचना ऐसे ही होगा। तब कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है तो नोनेम हो गया, नो नेम, नो लिख के यानी जोड़ देंगे, समझे हो। यही आपके किताब में दिया है, वही तो बहुत धीरा फूरा बात हो रही है, धीरे धीरे वो पॉइंट की बात कर रहे हैं। बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। जहाँ जहाँ ज्वाइंट होगा तहाँ तहाँ एक कार्बन रहेगा, ध्यान रखना। अच्छा चलो सब लोग बताओ, मिलके हाँ है। देखिए नाग देवता नहीं, नाग देवता नागिन देवता दोनों जाने साथ साथ है, दोनों जाने साथ साथ है। सोच कर बताना है, तीन नहीं कर लागे बहुत पीछा नहीं, फ्री फायर की बात होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लिखो 2 3 कमा करके 4 5 कमा करके 6 7 और नोन लिख के नोन में ई मत लगाना, ठीक है। नोन लिख के तो बाबा 1 2 3 4 5 पेंटा पेंटी नो लगे पेंटा कहाँ सा भी, तुम लोग हमारा भी माथा चक्रिया देते हो। डबल बंडवा कितना लगा ला जगह कर बनवा छो गया लेकिन दादा दू गल तो डाइना लिखे ला बंडवा तीन डाइना लिखे ला तेरे घम तेने के समझा तो समझ में तो ये लिखा जी कहता पेंट इन पेंटा इन लिख देना पेंटा इन पेंटा लिखा था पेंटा इन ना तो पेंटेन हो जाएगा, समझे हो। तो ऐसा पढ़े थे कभी, बहुत मिलेगा तुम लोगों को पढ़ने के लिए जिंदगी में। इसका पूरा नाम कौन बताएगा आईपीएससी का, गलत, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, यहाँ पर आप इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है बताओ, पूरा विश्व का न्यायालय बता दो, मानिए पूरा विश्व का न्यायालय कहाँ है, मैं हो जाएगा सर, ये सब हो जाएगा। जहाँ जहाँ मैं डबल बंद होगा ना तहाँ तहाँ लगाना, हाँ इसका नाम बता देना तुम लोग जल्दी से। क्या होगा नाम इसका, चलो सोच के बताओ इसका का जी है क्या, मैं तो कहा 1 2 3 4 5 6 7 सात खाती लिखो, पहले सात खाती लिखो हैप्ट
तब का लिखोगे ना? सर इधर से लगी लेंगे। किधर से? उधर से। ये तो इधर से गिनो का तीन थ्री हेप्ट थ्री इन हेप्ट थ्री जिधर से पहले आ जाए जिधर से पहले आ जाओ इधर से काउंटिंग करने को तो एक दो तीसरे पर आ जा रहा है इधर से एक दो तीन चौथा पर आए तो जिधर से पहले आता है उधर से काउंटिंग करते ठीक है। चलो भाई इसका आईपीसी नाम बताओ तुम लोग बताओ। क्लोरो बहुत आसान था ना जी ये साइक्लो क्या तो बेंजीन क्यों बोल रहे बेंजीन उसका अंदर तो होना चाहिए ना होशियार नहीं तुम साइक्लो क्लोरो हेक्सेन काउंटिंग कर लो यहाँ से काट साइक्लो पहले लिखोगे ना बेंजीन नहीं रहेगा बेंजीन रहेगा तो इस तरीके से होना चाहिए इसमें सब में जीरो रहता है सर बेंजीन में हाँ तब का एकदम निश्चित बात अगर नहीं है तो साइक्लो में चला जाएगा चाहे ऐसा रखो चाहे ऐसा रखो तभी बेंजीन काल आएगा। बेंजीन की संरचना तीन तरीके से बनती है देखो एक ये आपका होता है तभी बेंजीन एक ये होता है तभी बेंजीन एक ये होता है तभी बताओ कितना अच्छा चीज पढ़ रहे हैं आप हाँ बोलिए बोलिए ये बेंजीन की संरचना साइक्लो क्लोरो बेंजीन नहीं हेप्टेन देखो अब लिख लो बना के लगाना है तुम लोग को छ है ना तो हेक्सेन लिखेंगे हम लोग बोलो क्या क्या सीखे आज कुछ सीखे कि नहीं सीखे अच्छा इसका नाम बोलो सब लोग क्या होगा मिटा इसको सही से एकदम देख के बताना है सीएल यही हो गया तब सिंगल है बंदे इसका नाम कहा बताओ सोच के बताओ का नाम आप इसको साइक्लो क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा सही है ठीक है तब लिख लो बना के लेकर लिखो निम्नलिखित का आईपीएससी नाम लिखिए घर से बना के लेकर आना ठीक है गा दो सामने लिखो एच डब्ल्यू ग्रुप सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच सी एच थ्री
आगे का नाम होगा? वन क्लोरो टू ब्रोमोबेंजीन। सब तो इसी गए काजी। ग्यारह से टक्कर कोई नहीं ले सकता है, पूरे स्कूल भर के बात करते हैं, ना कोई सामने, तुम लोग सामने खड़ा हो सकता पूरा फाइल नगर में कोई नहीं। हाँ चलो रिमोट करो, हम 10 गौर देना जल्दी से। कल जश्न का दिन है, जश्न मनाएंगे, लिखेंगे क्या? लिख का जश्न मनाएंगे। बचन करो, कल छुट्टी रहेगा कुछ और लिख लो। मिटा दें फोन नहीं बैठ सकते लेते पिछवाड़ बैठे पहले पढ़ लो। नौवा दसवा दोनों एक है, एक जोड़ दीजिए दोनों में। मैं ये काम पे दे दो, पिछवाड़ बैठे हुए तो काम है। सामने बैठे गए लगा वो फ्रंट पर, बाबा के फ्रंट पर या फ्रंट पर कुछ संरचना देते बना के लेकर आओगे? टू टू संरचना बना के लेकर आना, डाई एथिल पेंटेन। टू डाई मेथिल पेंटेन। बता पड़ेगा लिख ले और इधर घसक जाओ ना, लड़कियों को दिखाई दे रहा है। थ्री ब्रोमो क्या भाई, टू क्लोरो भाई, खरीदे अनु तो क्या खाते खरीदे हो तरी पढ़ा करो इसमें, देखो एक बजे जाग जाया करो, एक बजे जाग जाओ, वो आराम से पढ़ो, सात बजे ले तब काम करो, नौ बजे सो जाओ, चार घंटा बहुत है। वैसे भी लड़कियों को आदत डालने दे कम सोने के लिए, नहीं 70 साल की जिंदगी में 30 साल सुतले में बिता देते हैं, अगर 8 घंटे सोते तो 30 साल बीत जाएगा, सोचो जा 30 साल बीत जाता है बाबू, आदित्य बाबू कैसे 5 घंटे में वही गान युवा की सुता। हमको चिंता है ना, चिंता है, चिंतन करना, घूम ले गोरखपुर सोचा है। कुछ नहीं है इसमें, सारा तुम लोग को लिखा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग को लिखने में, अवतार पास से वो निकाल के मारोगे घूम। संरचना भी इसको बनाना है, ध्यान रखना सबका संरचना बनाना है। ए विश्व बताइए, क्या बताएं? नाम सोच के बताओ।
नाइट्रोमीथेन पढ़े तो दस में तुम लोग एन ए टू होता है नाइट्रो करते हैं तो सब है ना फोटो कॉपी जो कर क्या हो गया क्यों नहीं प्रोपेन नाइट्राइल में नाइट्राइल लिखते हैं आईपीसी नाम साधारण में साइनाइड लिखते हैं है क्या कहा प्रोपेन आइसो साइनाइड एनसी को आइसो लिखते हैं हम लोग याद करो सब तुम लोग दस में पढ़ा गया ना चक्र करना गिन ले खाली है अब है क्या गिन ले इतना है ठीक है 25वां क्या नाम लिख रखते हैं बताओ तो सोच के तो आज हमने की शुरुआत के लिए फिजिक्स में पहला सवाल पर क्वेश्चन नंबर एक तो लिखो सब लोग समझते रहना लगाना भी है कि यदि एक पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तथा उसकी दूरी 20 मीटर है तो जड़त्व आघूर्ण बताइए क्या मुझे बताने की जरूरत है बन जाएगा कैसे बनेगा कौन फॉर्मूला बताएगा क्या हाल चाल है ना कहाँ हो तब सुनिए कल जाते रानी विक्टोरिया से मिले तुम चल हल कर केंगा हल होगा भाई दस किलोग्राम है ना तो हम लिखना है रानी विक्टोरिया को भाठा को कहते हैं 20 मीटर आर मतलब आई बराबर मील है बीस गुण है 20 डबल लिखाएगा हाँ दो जुना चार 4000 मात्रक बोलो मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर आंसर चलो हो गया समझ में छापने नहीं देंगे समझ लो मिटाए इसको क्वेश्चन खाली नोट करिए बाकी आंसर खुद आए मिटा रहे कैसा लगा पहला सवाल बोलो देखो हमको तो लगता है फिजिक्स बहुत मज़ेदार है फिजिक्स तो बहुत मज़ा है तुम लोग ऐप डाउनलोड कर लेना ठीक है ना बायोलॉजी वाला भी होगा लेकिन काम उसको रखे रहना किताब नहीं तो वो खोल लिए ना गोंद सब मैचिंग चलो नेक्स्ट आ जाए क्या नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर दो यदि घूर्णन गति करते यदि घूर्णन गति करते करते एक पिंड का कोणीय वेग 10 20 20 20 20 ना खाली 20 रेडियन प्रति सेकेंड तथा जड़त्व आघूर्ण 20 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है तो घूर्णन गति ऊर्जा बता दिए घूर्णन गति ऊर्जा बोलो किसका हल होगा कौन सा सूत्र आप यूज करेंगे कुछ याद है कुछ याद आ रहा है सोच करता है का हो कुछ याद आ रहा ओमेगा बता रहे हैं आई ओमेगा स्क्वायर से एक बट्टा दो आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर सब सिद्ध भी किया है इसको सिद्ध कर लोगे अभी जस्ट अभी सिद्ध हो जाएगा बताओ हो जाएगा
अरे कुछ नहीं करना है, के बराबर एक बटा दू एम वी स्क्वायर, एक बटा दू एम वही लिखो, भी के जगह पर आर ओमेगा होता ही है, तो एक बटा दू लिखो एम लिखो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आके आई होता ही है। अब लग जाएगा, छोड़ दें कि बता देते हैं, खाली समझाते हैं, बाकी आप लगाइए घर पर खुद। के बराबर एक बटा दू आई की जगह पर आई क्या आई 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 20 किलोग्राम इंटू मीटर, ओमेगा की जगह पर 20, क्योंकि 20 गुना 20 स्क्वायर है ना डबल, तो दूसरे कट गया 10 बार, इसका भी 4000, लेकिन मात्रक में कहा होगा जूल। हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझो। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, क्या लिखोगे क्या लिखोगे? यदि एक पिंड का रेखीय संधि 20 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड है तथा दूरी 20 मीटर है, तो कोणीय संवेग बताइए। बोलो बोलो बोलो, क्या लग जाएगा? कोणीय संवेग पी गुणा आर ओमेगा। अरे वही होता है, कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणे दूरी, रेखीय संवेग को पी कहते हैं, आगे दूरी क्या आर, तो लग गया। हल कर दें, हल कर देते हैं। चलो ये कितना दिया, ये 20 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, पी का मान है बाबू 20, दूरी को आर, कोणीय संवेग क्या है? कोणीय संवेग का मतलब ओमेगा, कोणीय संवेग का मतलब यल, तो यल बाबू पी इंटू आर, जे भी लिख सकते हैं। पी का मान दिया है 20, आर का मान दिया है 20, 400 और मात्र किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, नोट कर लो इसको। फिजिक्स में न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना, बस ये पहचान लो कौन क्या दिया है। सोच को था बायोलॉजी के स्टूडेंट, क्या दूर रहता है, क्या दूर रहता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है, डिहाइड्रेशन कह देगा हाइड्रोजन को है, तो ओकरा बन पेशाब बहुत ज्यादा लगता है ना, फायदा हो क्या होता है, फायदा पानी पीने समय ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलता है ना, तो शरीर में कोई दर्द नहीं। अब यहाँ मत पहले ना बता दे, तो कहबे कर लेगा यहाँ मिलता ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन मिल जाता है इसलिए। चलो तुम लोग कई बार इस क्वेश्चन को बताए हैं, पानी हमेशा पीना चाहिए, मैदान जल्दी उतर देता हूँ, ये मैं सच में करूँगा। अगला लिखो, अगला क्वेश्चन, एक पिंड ऐसा लिखो कि दो पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम, तो दे दो रहे हैं ना, वही तो हो रहा है, दो पिंड का बना रहे क्या, सब घर से ही बना के लगाना है। एक चौथा सवाल है, सारा ठीक है, द्रव्यमान 2 किलोग्राम, दो पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम है तथा इनकी स्थिति सजीव, स्थिति सदिश 0 0 और 3 0 है, और 3 0 है, तो द्रव्यमान केंद्र बताइए। बोलो सब लोग बताओ क्या होगा, x बराबर m1 x1 इनटू x2। टमली के स्कूल पर पढ़ता ना, मजा आ जाएगा, दुकान ना चुलाठी में चला गया, होशियार लड़का है, हमारे स्कूल में कोई अच्छा लड़का नहीं है सर।
मन हमें योग अच्छा लगेगा बन। कितने बच्चों को हम सुधार दिए, कितने बच्चों को बिगाड़ भी दिए। लग जाएगा छोड़ दें। अरे एम एम बराबर ना ये निकालोगे एक्सीएम, जब एक्सीएम निकालोगे तो एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू बटा में एम वन प्लस एम टू। घबरा गए गुस्सा देखो गुस्सा रहा में दो परमाणु के नाभिक के बीच का दूरी HCl अणु में दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी बायोलॉजी में क्या पढ़ना आपको तेने हमको बता दीजिए। बीच की दूरी 1.27 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। यह ज्ञात है क्लोरीन का परमाणु